हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फिर से जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो अगर आप इस बार आईटीआई प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह वीडियो सीरीज की 29 नंबर वीडियो है। इससे पहले हमने 28 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने उस पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है गोदान किसकी रचना है, ठीक है। तो ये जो रचना है दोस्तों वो मुंशी प्रेमचंद्र जी का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है। तो ये जो बीमारी है दोस्तों वो H1N1 नामक वायरस है दोस्तों, इससे फैलती है, ठीक है। और अगला जो हमारा यहाँ पे प्रश्न है 423 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो दोस्तों, भारत सरकार का जो संवैधानिक मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। वही अगर बात करें 425 नंबर प्रश्न की तो इसमें पूछा जा रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो दोस्तों, ये 42वें संशोधन द्वारा ऐसा किया गया था, ठीक है। वही अगला जो यहाँ पे प्रश्न है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। तो दोस्तों, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वही अगला जो यहाँ पे प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। तो उपराष्ट्रपति की जो चुनाव है दोस्तों वो संसद के सदस्य द्वारा कराया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है विश्व का सबसे लंबा, ठीक है, जो दोस्तों 9438 किलोमीटर है, रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया जो कहाँ पे है दोस्तों, रूस में है, किन दो शहरों को जोड़ता है। तो दोस्तों, ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है। तो ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो दोस्तों, जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया। तो पहला जो कारखाना है दोस्तों वो गुजरात में लगाया था, गुजरात के सूरत में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आयने अकबरी पुस्तक किसने लिखी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछे भी जा चुके हैं दोस्तों कि आयने अकबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो पुस्तक है वो अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो ये हॉकी में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, उड़न परी किसे पुकारा जाता है। तो दोस्तों, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है। तो वो उदयपुर है दोस्तों, जिसको हम लोग झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। वही अगर बात करें 437 नंबर प्रश्न की तो इसमें पूछा जा रहा है आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो 1857 ईस्वी में मुंबई में की गई थी, ठीक है। वही अगर बात करें अगले प्रश्न की तो इसमें पूछा जा रहा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा, यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो वो ऋग्वेद है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे शिक्षा दिवस पूछा जा रहा है दोस्तों कि कब मनाया जाता है। तो शिक्षा दिवस जो है दोस्तों वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। वही अगर शिक्षक दिवस की बात करें तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 440 नंबर, किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उसके जन्मदिन को हम लोग शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों मुंबई में स्थित है, मुंबई के ट्रांबे में, ठीक है, मुंबई के ट्रांबे में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो नेतृत्व है दोस्तों वो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, ठीक है। तो खालसा पंथ की जो स्थापना है वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना किसने की। तो मुगल वंश की स्थापना दोस्तों बाबर के द्वारा किया गया था, आप लोग को पता भी होगा, ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मुगल वंश की स्थापना किसने की, बाबर ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी दोस्तों वो किरण बेदी थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। वही अगर बात करें अगले प्रश्न की तो इसमें पूछा जा रहा है टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी। तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी दोस्तों वो श्रीरंगपट्टनम था, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न देखिए, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो ये क्रिकेट में होता है, ठीक है।
वही अगर बात करें 449 नंबर प्रश्न की, तो इसमें पूछा जा रहा है सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो सबसे जो कठोरतम पदार्थ है दोस्तों वो हीरा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। तो डायनामाइट का जो आविष्कार है दोस्तों वो अल्फ्रेड नोबल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका जो संबंध है वो शहनाई से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। तो ये फिल्म से संबंधित पुरस्कार है दोस्तों। ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये फिल्म से संबंधित है। वही अगर बात करें 454 नंबर प्रश्न की, तो इसमें पूछा जा रहा है जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था। तो ये जो आदेश दिया था दोस्तों वो माइकल ओ डायर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पटना का प्राचीन नाम क्या है। यहाँ पे पटना का पुराना नाम पूछा जा रहा है। तो पटना का जो पुराना नाम है दोस्तों वो पाटलिपुत्र है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया। तो ये मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखिए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये पटियाला में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। तो ये हॉकी से संबंधित है। वही अगर बात करें 459 नंबर प्रश्न की, तो इसमें पूछा जा रहा है बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों भाप इंजन का जो आविष्कार है वो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। और आप लोग को पता होगा दोस्तों कि पहले रेल का इंजन भी जो है वो भी भाप के द्वारा ही चलता था, ठीक है। यानी कि भाप इंजन ही रहता था पहले रेल में भी, वो कोयला और पानी से चलता था। और अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो रेडियो का जो आविष्कार है दोस्तों वो इटली के निवासी मार्कोनी द्वारा किया गया था। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको जी मार्कोनी भी लिखा मिल सकता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, ठीक है। राजभाषा दोस्तों वहाँ की क्या है, अंग्रेजी है, तो वो नागालैंड की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखिए, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों संसार की यहाँ पे पूछा जा रहा है, भारत का नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो दोस्तों वो श्री माओ भंडार नायके थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो ये कांस्य युग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था। तो ये जो धर्म है दोस्तों वो अकबर के द्वारा चलाया गया था। वही अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है। आप देखते होंगे दोस्तों कि जब सूर्य उदय होता है उस समय भी लाल प्रतीत होता है, और शाम के समय जब डूबता है दोस्तों तो उस समय भी वो लाल प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों इसका जो कारण है वो है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं, ठीक है। वही नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। तो इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 36,000 किलोमीटर होती है। वही अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो इसमें पूछा जा रहा है चेचक के टीके की खोज किसने की, ठीक है। तो चेचक की जो टीके है दोस्तों उसकी खोज एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है। तो वो लैक्टोबैसिलस के द्वारा बनता है, ठीक है दोस्तों। वही अगर बात करें 474 नंबर प्रश्न की, तो इसमें पूछा जा रहा है प्रासर्ब तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है दोस्तों। ये प्रश्न एक दो बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेने की बात नहीं है, रिपीट हो गया कोई इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। वही अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है। तो विद्युत धारा की जो इकाई है दोस्तों वो एम्पियर है। और अगला जो यहाँ पे प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो वो पोटासियम है, ठीक है दोस्तों। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन से खनिज आवश्यक है, तो वो पोटासियम है। अगला प्रश्न देखिए, पेंसिलिन की खोज किसने की। तो पेंसिलिन की जो खोज है दोस्तों वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, मलेरिया की दवा कुकीन किस पौधे से प्राप्त होता है। तो ये जो प्राप्त होता है दोस्तों वो सिनकोना नाम की पौधे से प्राप्त होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो संसार का जो सबसे बड़ा फूल है दोस्तों वो रफलेसिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कौन सा है, रफलेसिया है, जो संसार का सबसे बड़ा फूल है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इससे आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग अगले वीडियो में देखने का काम करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों के फेसबुक व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दीजिए जो लोग आईटीआई प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि आगे जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।